वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट में मौजूद रहने की परमिशन दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले के मद्देनजर पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। आखिर क्या है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का पूरा मामला? ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ा केस क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की परमिशन मांगी थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी कराया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे पानी का फव्वारा बताया था। चलिए जान लेते हैं केस में अब तक क्या हुआ। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा की परमिशन मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी फिलहाल यहां साल में सिर्फ एक बार ही पूजा होती है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं। इसके बाद 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। चलिए जान लेते हैं हिंदू और मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या है। इस मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हिंदू पक्ष का तर्क है 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। मान्यताओं के अनुसार शिवजी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था। आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। वहीं मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलीलें हैं। मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस 22 अगस्त से लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वर्ष 1976 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वर्ष 1944 के गजट में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। संपत्ति शहंशाह आलमगीर यानी औरंगजेब की थी। वक्फ करने वाले के तौर पर भी बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह से बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने शरई कानून के तहत वक्फ की गई वर्ष 1669 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा 1883 से 1884 में अंग्रेजों के शासनकाल में जब बंदोबस्त लागू हुआ तो सर्वे हुआ और अराजी नंबर बनाया गया। अराजी नंबर 9130 में उस समय भी दिखाया गया था कि वहां मस्जिद है, कब्र है, कब्रिस्तान है, मजार है, कुआं है। पुराने मुकदमों में भी यह तय हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। सरकार भी इसे वक्फ प्रॉपर्टी मानती है। इसी वजह से काशी विश्वनाथ एक्ट में मस्जिद को नहीं लिया गया। वर्ष 2021 में मस्जिद और मंदिर प्रबंधन के बीच जमीन की अदला बदली हुई, वह भी वक्फ प्रॉपर्टी मानकर ही की गई। इसलिए मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है।
ये थे मुस्लिम पक्ष के तर्क। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर विवादों का नाता बहुत पुराना है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1809 ईस्वी में मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसके बाद 1984 में दिल्ली की धर्म संसद में हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करने को कहा गया। 1991 में वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर में पूजा के साथ मस्जिद को ढहाने की मांग की गई। 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई। 2019 में वाराणसी कोर्ट जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग वाली याचिका दायर हुई। वहीं 2020 में मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। 2020 में ही याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने पर वाराणसी की लोअर कोर्ट से फिर से सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया। 17 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की। 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे कराने के आदेश दिए। उसके बाद 26 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे शुरू हुआ, जो कि विरोध की वजह से पूरा नहीं हो सका। फिलहाल कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस मुद्दे पर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।